दसो फिर नवाब साहब तुसी केड़ी सजा देना चाहोगे अपने ना दुश्मनां नूं। मैं गोविंद कोलों अपने भरावां दी मौत दा बदला लेना चाहुंदा हां ते ओ मैं जरूर लवांगा, पर मैदान जंग विच ये मेरे गुनाहगार नहीं हन। औरतां ते बच्चियां कोलों बदला नहीं लिया जांदा। मैं चाहुंदा हां इंसानियत दे नाते गोविंद दी मां ते ओहदे बच्चियां नूं रिहा कर दिता जावे। नवाब साहब तुसी अज साबित कर दिता कि एक अच्छा इंसान ही सच्चा मुसलमान हो सकता है। मैं भी इंसाफ विच यकीन रखदा हां। नवाब साहब दी मर्जी ते जनता दी ख्वाहिश दे मद्देनजर मैं इन्हां नूं आजाद कर दियांगा, पर मैं इन्हां कोलों ऐ तां पुछलां कि ये आजाद होके की करनगे। ओही करांगे जो साडे गुरु पिता कर रहे हन ते जिहड़ियां सिंघां दीआं आउण वालीआं नस्लां करनगीआं। की आखरी साह तक जुल्म ते बेइंसाफी दे खिलाफ लड़ांगे। ओ किवें? असीं अपने गुरु पिता दे सिंघां नूं फेर इकट्ठा करके फौज तैयार करांगे। सुनिया तुसी सारे ने इना दे बागी इरादे। जेड़ा इना दा बागी बाप साडे खिलाफ कर रहा है ओही है बागी बच्चे करना चाहुंदे ने। हुण दसो दरबार विच बैठे काजियों ते वजीरों कि मुगलिया सल्तनत दे इना बागिया बारे तुहाडी की राय है। खान साहब हुण तां सब दी राय इक्को ही हो सकदी है, सब दे बच्चे सब भी होंदे ने। सुच्चा नंद जुबान नूं लगाम दे, मजलूमा दे ओ दोस्त ने नेकी उहनां दी पहचान है। शीश झुका के आदर कर, गुरु गोबिंद सिंह उहनां दा नाम है। शुक्र कर असीं तुहाडे कैदियां, नहीं तां 100 गुरु पिता दी हुण तक तेरा सिर मोदे कोल दिख चुका होणा सी। बस मैं होर कुछ नहीं सुनना चाहुंदा। बागी गुरु दे बागी बच्चो साडा धर्म कबूल करो जां बेरहमी नाल मर ले तैयार हो जाओ। पहला मरन कबूल जीवन की छड आस, हो सबना की रहन का तो आओ हमारे पास। काजी साहब फतवा। मेरा फतवा तैयार है खान साहब। किथे जा रहे हो माता जी? इन्हां नूं जिंदा दीवार विच चिंदता जावे।